सो आज की वीडियो में हम बेसिकली बात करने जा रहे हैं कि एग्जाम्स में जो आप लोग फेल होते हैं, चाहे वो मैट्रिक हो चाहे वो इंटरमीडिएट में, उसकी वजह क्या होती है, क्या क्या इश्यूज होते हैं जिनकी वजह से आप लोग फेल होते हैं। सेकेंडली, हमारी जो है ये एक सीरीज चल रही है, मैंने बेसिकली एक वीडियो बनाई थी जिसमें जो है आप लोगों का बहुत अच्छा प्यार था, क्रॉस 60+ लाइक्स इन दैट वीडियो, जहाँ पर मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं आप लोगों को सप्लीमेंट्री से रिलेटेड गाइड करूंगा। बट उससे पहले, गाइड करने से पहले, यू हैव टू नो अबाउट द थिंग्स कि भाई फेलियर होने के इश्यूज क्या होते हैं, क्या वजह है जहाँ पे आप फेल हो रहे हो। ठीक है, तो हम उस पर बात करेंगे। तो ये वीडियो जो है हर स्टूडेंट्स देख सकता है, चाहे वो न्यू स्टूडेंट्स हो, चाहे वो भाई सप्लीमेंट्री अभी दे रहा हो, कोई भी स्टूडेंट्स दे सकता है। तो मुझे आप लोगों से जो है सिंपल सा ये कहना है कि अपने सारे फ्रेंड्स के अंदर इस वीडियो को शेयर करो कि उनको बेसिकली आइडिया हो कि भाई फेलियर्स के क्या क्या इशूज होते हैं, कि भाई एक एग्जाम में फेलियर के इशूज क्या क्या, क्या वजह है जिसकी वजह से जो है आप फेल हो रहे हो अपने एग्जामिनेशन के अंदर। ठीक है, और मैं आप लोगों से छोटी सी एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। रिक्वेस्ट ये है कि भाई इस चैनल को जो है सब्सक्राइब करो, और इसके बराबर में बेल का बटन होगा उसको प्रेस करो, क्योंकि यही मेरी एक आप लोगों की तरफ से मोटिवेशन का जरिया होता है कि मैं आप लोगों के लिए अपना टाइम जो है, जितना मेरा बिजी टाइम होता है उससे मैं टाइम निकाल के आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ। तो वो मेरे लिए एक मोटिवेशन होता है। जिसने मतलब कि अभी तक जो है सब्सक्राइब नहीं किया है तो सिर्फ उस बटन को प्रेस कर दो, उसके बराबर में बेल का बटन होगा, ठीक है, उसे ही प्रेस कर दो कि आगे आने वाली नोटिफिकेशन तुम्हें मिले। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अपनी, ठीक है। अब देखो यार, मैट्रिक और इंटर एग्जाम्स में ना जो फेलियर्स होते हैं, मतलब कि उसमें ना बहुत सारे मतलब के इश्यूज हो सकते हैं, बहुत सारे असबाब हो सकते हैं जहाँ पे, ठीक है। तो अब बोर्ड के हवाले से कुछ अहम जो है यहाँ पे आपको मैं वजूहात बता सकता हूँ कि क्या वजह हो सकती है कि भाई आप फेल हो सकते हो, और इन चीज़ों को आप सही कैसे कर सकते हो। द फर्स्ट थिंग इज दैट कि भाई तैयारी में कमी, और आपका जो है गलत जो है वो स्टडी हैबिट, ठीक है। फर्स्ट थिंग इज ऑल अबाउट कि भाई तैयारी में कमी और आपका गलत, वो क्या होता है। अब गलत वक्त का इस्तेमाल का मतलब क्या है कि भाई स्टूडेंट जो होता है वक्त का बेसिकली सही इस्तेमाल नहीं करता, ठीक है। और मतलब कि ना आप मतलब हर चीज़ को जो है एक तरीके से फन में ले रहे होते हो, जिसकी वजह से जो है आप इस प्रॉब्लम्स का शिकार होते हो। अब जैसे एक बच्चा है, उसने 9 मैट्रिक का अपने एग्जामिनेशन में 3-4 घंटे पढ़कर वो 70% 75 ले आया, उसके माइंड में ये एक जो है थिंकिंग बन गई कि भाई वो आगे की जो अपनी स्टडीज करेगा तो वो उसमें भी इतना पढ़ के ला सकता है। अगर आप आगे की जाकर भी 2 घंटा 3 घंटा पढ़ के कर सकते हो, इम्पॉसिबल है। देखो, 9 के अंदर एक बेसिक स्टार्ट हुई, मैट्रिक में आपको थोड़ा ज्यादा पढ़ना होता है, फर्स्ट ईयर में और ज्यादा पढ़ना होता है, एक चेंज चलती है पूरी, ठीक है। तो आप लोग अपने वक्त का एक सही से मतलब के जो है नहीं लगा पाते, तो इस वजह से वहां पे भी होता है, ठीक है। एक और चीज बहुत ज्यादा यहाँ पर होती है, प्रोक्रेस्टिनेशन जो हो रही होती है बच्चों को, मतलब अक्सर स्टूडेंट्स ना तैयारी में उनको जो है ना वो सही है, और मतलब कि वो एक तरीके से तैयारी जो होती है ना उनको उसको बेसिकली देर से करते हैं, और आखिरी के दिनों में ना सब कुछ बेसिकली याद करने की कोशिश करते हैं तैयारी। आपने जब भाई इस तरह के प्रॉब्लम्स होंगे, जब आप इसको फन लोगे, वक्त का सही इस्तेमाल नहीं करोगे, तो प्रोक्रेस्टिनेशन तो आपको होगी। क्यों? क्योंकि भाई अक्सर बेसिकली स्टूडेंट्स ना यही करते हैं कि भाई तैयारी को ना मतलब देर कर देते हैं, और आखिर के दिनों में वो क्या होता है मतलब सब कुछ याद करने की बेसिकली कोशिश कर रहे होते हैं। अब इसका मैं केस स्टडी तो मैं बताता हूँ। जैसे एक स्टूडेंट है जिसने मैट्रिक की जो है तैयारी वो बेसिकली कर रहा है, अब हमेशा बेसिकली जो है ना सब कुछ बेसिकली आखिरी दिनों में करने का बेसिकली वो सोचता था। तो उसने क्या किया कि अपने गलत वक्त का जो है ना इस्तेमाल की वजह से वो पूरा सिलेबस जो है वो कवर नहीं कर सका अपना, और मैथ्स और फिजिक्स जैसे जो है आपको पता है कि वो एक डिफिकल्ट सब्जेक्ट होता है, तो वहां पे क्या हुआ कि वो फेल हो गया। जहाँ लर्निंग से ज्यादा आपके कॉन्सेप्ट को जो है समझना जरूरी होता है, बट आजकल की एजुकेशन और आजकल की जो बिजनेस, जो एजुकेशन एक बिजनेस की तरह हो गया, जहाँ पे आपको लर्निंग पे फोकस कराया जाता है, कॉन्सेप्ट पे नहीं। तो हल्का सा अगर क्वेश्चन कोई भी आपके पास चेंज आ जाता है तो बच्चा परेशान हो जाता है, ठीक है। अब गलत तालीम का तरीका, सेकंड पॉइंट इज ऑल अबाउट कि भाई आपके पास जो है गलत तालीम का तरीका, गलत वो कैसे कि भाई कभी कभार ना टीचर्स भी जो होते हैं वो इन सारे सिचुएशंस के वो होते हैं। क्यों भाई? टीचर्स खुद ना अपने स्टूडेंट्स में मतलब के एक तरीके से समझ लो कि टीचर्स जो होते हैं ना वो खुद अपने सब्जेक्ट्स के अंदर एक्सपर्ट नहीं होते। आजकल आप हर जगह देखोगे, घर के बाहर कोई ट्यूशन पढ़ा रहा है, आप पड़ोस में देखोगे या फिर आगे जाकर देखोगे, कहीं भी जाकर देखोगे, ठीक है। तो दे आर नॉट एक्सपर्ट, वो सिर्फ मतलब उन्होंने एक तरीके से बिजनेस किया, एजुकेशन पाकिस्तान के अंदर एक बिजनेस के तौर पर है, ठीक है। उनको उस चीज का कुछ नहीं पता, वो लोगों को देख देख के पढ़ा रहे हैं, ठीक है। उन्होंने उसको देखा, उन्होंने अभी इंटर किया है, वो उसे पढ़ाना शुरू हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ क्या है कि भाई टीचर्स जो होते हैं अपने सब्जेक्ट्स के अंदर एक्सपर्ट नहीं होते, या फिर वो अपने काम में जो होते हैं ना वो दिलचस्पी नहीं रखते। उनको लगता है यार चलो भाई बच्चे को सिर्फ बस ऊपर ऊपर से देखना निकालते हैं, जिसकी वजह से जो है स्टूडेंट्स को नुकसान उठाना पड़ता है। अब ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जिनको बहुत ज्यादा टीचर्स का इशू होता होगा, तो इसलिए क्वालिफाइड टीचर्स ढूंढो अपने लिए जो तुम्हें पढ़ाने में इंटरेस्ट ले, और अगर नहीं ले रहे तो भाई सेल्फ लर्निंग पे ज्यादा जोर दो बनिस्बत ये टीचर्स के इस पे। सेकेंड, एक और बात भी यहाँ पर बहुत ज्यादा मानी जाती है कि भाई कॉन्सेप्चुअल लर्निंग की जो है ना थोड़ी कमी है, ठीक है। मेरे पास जो भी स्टूडेंट्स आता है, मैं हमेशा जो है बच्चे को ये कहता हूँ कि भाई
पेपर पेपर्स को छोड़ो, आपने कॉन्सेप्चुअल तैयारी करनी है, ठीक है। कॉन्सेप्चुअल लर्निंग जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पूरी जिंदगी भर आपके साथ रहेगी। फिजिक्स कभी भी चेंज नहीं होगा। अगर आप मैट्रिक में फिजिक्स पढ़ रहे हो, फर्स्ट ईयर में भी वही फिजिक्स पढ़ोगे, सिर्फ इन अ डिटेल वर्जन में पढ़ोगे। जो फर्स्ट ईयर में पढ़ा, सेकंड ईयर में भी वही चीज को पढ़ोगे, बस डिटेल वर्जन होगी वो, ठीक है। तो टीचर्स जो होते हैं ना, ज्यादा ज्यादा क्या कर रहे होते हैं स्टूडेंट में, इवन हर कोचिंग में यही है कि आपको एक भाई दे दिया ये चैप्टर है, चलो भाई रट्टा लगवाने, रट्टा लगवाओ। रट्टा लगवाने पर जोर देते हैं कि ये टॉपिक है, इसको रट्टा लगाकर आ जाना। फिर स्टूडेंट्स को जो है ना कॉन्सेप्ट समझने पर जो है वो फोकस नहीं करते। जब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो आप पेपर्स के अंदर बहुत आसान तरीके से कर सकते हो। अब इसकी भी एक एग्जाम्पल है, ठीक है। जैसे मेरे पास कुछ दिन पहले एक बच्ची आई थी, इंटरमीडिएट की स्टूडेंट थी। उसने मुझे ये बताया था कि उसका फिजिक्स का टीचर जो है ना, उसने बेसिकली किसी कोचिंग से नहीं पढ़ा, ठीक है। तो उसने घर पे लगवाया था, तो वहां पे बेसिकली जो है उसके टीचर ने, फिजिक्स के टीचर ने रट्टा लगवाया उसको कि यार ये चैप्टर जिसको ये याद कर लो, ठीक है। और वो बेसिकली जो है फॉर्मुला बेस्ड सवाल आते हैं, और उसका ज्यादातर माइंड जो था ना फॉर्मुला बेस्ड, देखो हर का वो होता है। फिजिक्स के अंदर कोई न्यूमेरिकल्स काफी ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकता है, कोई रीजनिंग्स काफी अच्छे तरीके से कर सकता है, जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर कर सकता है, तो उसके मतलब के वो कर सकती है। लेकिन जब पेपर्स में ना कॉन्सेप्चुअल थोड़े सवाल आए, क्योंकि आप ऑब्वियसली बात है आप इंटरमीडिएट के एग्जाम्स में आपको डिटेल सवाल नहीं पूछे जाते, दो तीन क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल बेस्ड होते हैं, तो वहां पर आए ना, तो वो फिर उसको समझ नहीं आ रहा था कि भाई क्या हो, तो उधर वो फिजिक्स में फेल हो गई। थर्ड पॉइंट ना, एक और चीज जो है जो ज्यादातर होती है, ठीक है, वो ये होती है कि सोशो इकोनॉमिक मसायल भी बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। अब सोशो इकोनॉमिक्स क्या चीज है? सोशल इकोनॉमिक्स का मतलब ये है कि भाई माली मुश्किलात, जो कि पाकिस्तान के अंदर आम सी बात है, क्योंकि यहाँ इकोनॉमिक क्राइसिस बहुत ज्यादा है, बहुत महंगाई है। मतलब अक्सर स्टूडेंट्स के पास जो है ना ज्यादा पैसा नहीं होता, जिसकी वजह से वो मतलब कि एक्स्ट्रा ट्यूशंस, किताबें या अच्छा मतलब कि माहौल जो होता है वो अफोर्ड नहीं कर सकते, सही है। सेकंड, ये भी बात हो सकती है सोशल इकोनॉमिक्स के अंदर कि भाई काम की जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा है, मतलब कि कुछ स्टूडेंट्स मतलब कि गरीब फैमिली से होते हैं, सही है, इसलिए मतलब कि उन्हें पार्ट टाइम जो होती है वो जॉब्स करनी पड़ती हैं, और साथ में उनको पढ़ना भी होता है, तो उनकी जो उनकी पढ़ाई होती है ना उसके लिए उनके पास टाइम नहीं होता, ठीक है। क्योंकि आप मतलब इंसान एक वक्त में एक ही काम कर सकता है, जब आप दोनों काम करते हो तो आपको मैनेज करना काफी मुश्किल होता है, हर कोई नहीं कर सकता। कर रहे हैं अभी भी टाइम पे, बहुत लोग कर रहे हैं, बट हर इंसान नहीं कर सकता। इसी में मेरे पास, क्योंकि मैं जो भी बात करता हूँ केस स्टडीज के बिहाफ पे करता हूँ, कोई भी ऐसी बात नहीं जो मैं बिना केस स्टडीज से, केस स्टडीज ऑल अबाउट एक रियल बेस्ड स्टोरीज बताकर, ऐसा नहीं कि यार तुम्हें फेक बस ऊपर से चीजें जो आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, सब रियल बेस्ड स्टोरीज के बिहाफ पर, ठीक है। तो तुम लोग, मैं तुम लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, आई वॉन्ट अ लाइक फ्रॉम यू ऑल। जो जो वीडियोज देख रहे हैं यहाँ तक पहुंच गए हो, एक लाइक जरूर कर देना, क्योंकि ये सारे पॉइंट जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ तुम्हारी लाइफ से कोई ना कोई एक पॉइंट लाजमी तुम्हारे लिए कि ऐसा होगा कि तुम लोग समझ सकोगे। अब यहाँ पे क्या है कि जैसे अगर मेरा एक दोस्त था, ठीक है, वो बेसिकली मैट्रिक के अंदर जो है, सही है, अब उसकी जो पेरेंट्स ये सब थे उनके पास इतना ज्यादा पैसा नहीं था, ठीक है। तो उसे ये होता था कि वो बेसिकली क्या करता था कि भाई जब स्कूल से वो करता था ना, तो उसको फिर आगे मतलब काम पे जाना पड़ता था, काम करता था वो भाई, ठीक है, कॉल सेंटर्स एंड ये सब में जाता था। तो काम की वजह से ना वो पढ़ाई के लिए अपना वक्त उसको ना मिल नहीं सका था, तो एग्जाम्स में वो उस टाइम पर एक से दो पेपर के अंदर ना वो रुक गया था, ठीक है। तो ये बेसिकली आपके पास होता है सोशल इकोनॉमिक्स, ये सारे मसाइल्स भी स्टूडेंट्स को फेस्ड होते हैं। चौथी चीज यहाँ पर ये है कि जहनी दबाव और स्ट्रेस, ये आजकल के दौर पे जो है ना बहुत ज्यादा है। ये आपको, ये जो वीडियो है ना ये आपके लिए बहुत वैल्यूएबल होने वाली है, यकीन बताऊं। अब देखो हर टीचर ये समझता है कि सिर्फ रटवाना इज अ मेजर थिंग, मैं कहता हूँ कि भाई सिर्फ रटवाना इंपॉर्टेंट नहीं होता, जब तक कि बच्चे को ये नहीं बताया कि भाई फेलियर के क्या इशूज हैं, कैसे इसको ओवरकम करना है। नेक्स्ट वीडियो इज ऑल अबाउट कि इनको ओवरकम किस तरीके से करना है। तो तुम लोग अगर इस वीडियो के अंदर 70 लाइक्स करवा देते हो, तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा कि इसको ओवरकम कैसे करना है, ठीक है। जहनी दबाव और स्ट्रेस, ये बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स में पाया जाता है। अब उसमें क्या होता है कि भाई एग्जाम की एंगजाइटीज होती है स्टूडेंट्स को, कि बहुत से स्टूडेंट ना एग्जाम्स के बाद एंगजाइटी या फिर स्ट्रेस का शिकार हो जाते हैं। ये मोस्टली स्टूडेंट्स में होगा, आप लोग एग्री करोगे इस बात से, ठीक है। जो उनकी ना परफॉर्मेंस, अगर वो लर्न भी सब कुछ कर लेते हैं ना, मगर एंडिंग टाइम में एंगजाइटी इतनी ज्यादा होती है कि जो एग्जाम्स के लर्न किया वो सब कुछ भूल जाता है, उनकी परफॉर्मेंस पर क्या होता है असर पड़ता है। और ऐसा फैक्टर भी आता है कि मेरे पास ऐसे मैसेजेस आते हैं कि सर हमारे पास पेरेंट्स का प्रेशर बहुत ज्यादा था, दोस्तों का बहुत ज्यादा था, ठीक है। तो पेरेंट्स और दोस्त मतलब अक्सर की जो है ना आपके स्टूडेंट पर ज्यादा मार्क्स लेने का प्रेशर जो है ना वो डाल देते हैं पेरेंट्स, कि भाई तुम्हें इतने मार्क्स लेने हैं। अब वो जो प्रेशर डलता है ना, जिससे मतलब जहनी थकान और फोकस में ना कमी का सबब बनता है कि भाई अल्लाह ना करे अगर ऐसा ना हुआ मेरे साथ तो फिर मेरा क्या होगा, तो ये नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब इसी का एक केस स्टडी मैं तुम लोगों को समझाता हूँ रियल बेस्ड। एक इंटर की बच्ची थी मेरे पास, ठीक है, उसने मुझे ये बताया था कि भाई, क्योंकि मैं कैरियर काउंसलिंग भी करता हूँ, तो उसने मुझे ये बताया था कि उसके पेरेंट ने ना उस पर मतलब कि बहुत ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस का जो है प्रेशर डाला हुआ, कि तुमने यार ये अच्छा परफॉर्म करना है, बिल्कुल एक प्रेशर की तरह। तो वो मतलब कि एग्जाम्स के टाइम पर जो है ना एंगजाइटी, और उसको जो ऑब्वियसली बात है जब आप परेशान होते हो तो आपको और भी बहुत ज्यादा जो डिफिशियंसी होने लगती है, उसको नींद की कमी ने ना उसकी तवज्जो को जो है ना एक तरीके से कम कर दिया। और उसके बेसिकली बावजूद कि वो मतलब कि एक अच्छी स्टूडेंट थी, ठीक है, और एग्जाम्स में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे सकी वो, तो ये एक बहुत मेजर फैक्टर्स होता है आपका जहनी दबाव स्ट्रेस का, ठीक है। अच्छा, फिफ्थ पॉइंट इज ऑल अबाउट, जो कि हर के साथ होगा और तुम लोग इस वजह से भी फेल हो रहे हो, ठीक है, इस वजह, ये भी बहुत मेजर है, मतलब कि डिस्ट्रैक्टिंग, तवज्जो की कमी, जो कि भाई आपके इसमें नहीं है, आप तवज्जा नहीं दे रहे अपनी स्टडी में, फिर आप कह रहे होते हो कि सर हम फेल क्यों हो रहे हैं। सोशल मीडिया और गैजेट का आपका ज्यादा इस्तेमाल है,
मतलब बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि सोशल मीडिया, टीवी या फिर वीडियो गेम्स में जो है ना इतना ज्यादा लगे हुए हैं, खो जाते हैं एकदम, कि उनको बच्चे पढ़ाई के लिए वक्त ही नहीं, मतलब के जैसे अभी एग्जाम्स नहीं है, स्टूडेंट्स को अभी कोई परेशानी नहीं होगी, सब गेम खेल रहे हैं, कोई मतलब के मूवीज देख रहे हैं ये वो, मगर जब एक महीना या फिर 10 दिन होंगे तो आप भाई अपने परेशान होंगे कि सर पेपर्स का क्या करना है किस तरीके से, तो ये आपका फेलियर का सबब बन रहा है। इंटर के एग्जामिनेशन की तैयारी ऐसे नहीं होती, 9 मैट्रिक में 1 महीना पढ़ के आप पास फिर भी हो सकते हो, वो भी बड़े लकी चांस है, मगर इंटर में आप फेल ही हो गए। ठीक है, उसके बाद आपके पास जो है, आपके पास पीयर इन्फ्लुएंसेस होते हैं, वो क्या चीज होती है, मतलब कुछ स्टूडेंट ना ऐसे ग्रुप्स में चले जाते हैं जो मतलब तालीम को ना ज्यादा अहमियत नहीं देते, आपके दोस्त और गैदरिंग्स, आपका होगा ऐसा, तो मैं आपको कहूंगा कि अगर आपकी ऐसी गैदरिंग है, आपके दोस्त हैं, तो आप उनसे मतलब कि थोड़ा दूर रहें। ठीक है, क्यों भाई, कुछ दोस्त ऐसे ग्रुप, ऑब्वियसली बात है, मैं जब 9 मैट्रिक में हुआ था ना, मेरे कुछ दोस्त ऐसे थे जो कि मतलब स्टडीज को ज्यादा सीरियस नहीं लेते, हर नहीं हर कोई नहीं लेता, क्योंकि कुछ लोगों के भाई फादर के बिजनेस होते हैं, कुछ के ये होते हैं, तो उनको मतलब इतना ज्यादा मसला नहीं होता। जब हम जीरो से स्टार्ट करते हैं ना कोई भी चीज, हमें कुछ बनना है तो हमें खुद की मेहनत करनी होती है, दोस्त हमेशा साथ नहीं रहते। आप कल को यूनिवर्सिटी में जाओगे, 4 साल होगी, आपकी कैरियर कहीं और की तरफ है, आपके दोस्त का कैरियर पाथ कहीं और की तरफ है, हमेशा साथ नहीं होंगे, तो इसलिए वो ऐसे ग्रुप्स में जाते हैं तो तालीम को ना इतनी अहमियत नहीं देते, और उसमें मतलब कि पढ़ाई का फिर असर आपको भी होता है। ठीक है, अब इसका भी एक केस स्टडी है मेरे पास। ठीक है, क्योंकि सारी वो चीजें हैं जो कि मैं आप इन अ पास, क्योंकि मुझे अलहमदुल्ला 17 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, तो इन 17 ईयर्स के अंदर जो जो हुआ वो मैं तुम लोगों तक समझा रहा हूँ। अब मेरा एक स्टूडेंट था, ठीक है, वो बेसिकली इंटरमीडिएट की तैयारी कर रहा था, मैं उसको शुरू से ये बात कहता था कि यार भाई अपने फोकस करो, फोकस करो, तो पास होना है। मैं उनकी पेरेंट्स को ही बहुत दफा कहा, मतलब वो ज्यादातर वक्त ना अपने सोशल मीडिया पे गुजारता था, मैंने उसको टेस्ट दिया, मैं उसको देखता था कंटिन्यूअसली सोशल मीडिया पे ऑनलाइन, ठीक है, टेस्ट की प्रिपरेशन नहीं कर रहा, और वो सोशल मीडिया ना वो तरीके से एडिक्शन है, सही है, जरूरी नहीं कि आप नशा ये सब करते हो, वही एडिक्शन है, सोशल मीडिया ये सारी चीजें एडिक्शन के तौर पर होती है। अगर फॉर एग्जाम्पल आपका इंटरनेट चला जाता है तो आप फिर परेशान हो जाते हैं, यार इंटरनेट चला गया, जैसे इंटरनेट फौरन आप लोग देखने लग जाते हो सोशल मीडिया, ये एडिक्शन है, तो वो एडिक्ट हो गया था, उसकी वजह से ना वो मतलब कि जब वो सोशल मीडिया यूज करता रहता था, पढ़ाई पर अपना टाइम नहीं लगाता था, तो क्या हुआ, मल्टीपल सब्जेक्ट में फेल हो गया वहाँ पे। तो ये सारी चीजें हैं आपकी, 6 पॉइंट इज ऑल अबाउट, ठीक है, 6ठा पॉइंट है रहनुमाई और काउंसलिंग की कमी होती है बहुत ज्यादा कराची के अंदर, तो खास तौर पे सिर्फ आपको रटवाने और इन सारे जो है कोचिंग सेंटर्स में हुआ करता है, ठीक है, कोई आपको काउंसलिंग ये सब नहीं होती है, वो स्टूडेंट जो सेल्फ लर्निंग या खुद से अपने आप को समझते हैं वो आगे निकल जाते हैं, और वो बच्चे जिनको कोई काउंसलिंग नहीं दी जाती है, जिन जो बिल्कुल ही मतलब के जो है पढ़ने वाले हर कोई है, मगर उनको एक तरीके से एक पाथ चाहिए होता है समझने के लिए, यार ये ट्रेन की पटरी मुझे जो है ना यहाँ तक पहुँचा देगी, वो उनको नहीं दी जाती तो वहाँ पे फेल हो जाते हैं। ठीक है, तो क्या है, अब कैरियर काउंसलिंग का बेसिकली ना होना, आप बहुत सारे ट्यूशन वाली बाजियों के पास चले जाओ, कहीं भी चले जाओगे, कैरियर काउंसलिंग की कमी से कह देने से कुछ नहीं होता, ठीक है, आपको एक ना केस स्टडी, एक रियल बेस्ड चीजें बतानी है बच्चे को। अब जैसे बहुत सारे स्टूडेंट ना अपने कैरियर चॉइस जैसे होती है आप लोगों की, और स्टडी टेक्निक्स के हवाले से ना सर आपको सही रहनुमाई जो होती है ना वो नहीं बताती, जिसकी वजह से मतलब कि हमेशा कंफ्यूजन का शिकार जाते हैं स्टूडेंट्स, जब आपको अपने कैरियर का पता ही नहीं होगा। मेरे पास इतने स्टूडेंट आते हैं, सर हमने अपना इंटर कंप्लीट कर लिया, अब हम क्या करना चाहेंगे, यू नो बेटर देन मी कि भाई व्हाट इज बेसिकली योर कैरियर चॉइस, क्या आपका है, क्या आप करना क्या चाहते हो, बट स्टूडेंट्स को नहीं पता कि वो क्या करना चाहते हैं, ठीक है, वो सिर्फ ये चाहते हैं कि जो चल रहा है मार्केट के अंदर बस जो स्कोप है वो बता दें। उसके बाद मेंटोरिंग की कमी होती है बहुत ज्यादा, ठीक है, मेंटोरिंग की कैसे कमी, कि भाई मैंने आपको पहले ही बताया कि हर कोई जो होता है वो टीचर नहीं हो सकता, आज के टाइम पे सबसे आसान जॉब ये है कि भाई कहीं ना कहीं से आपने किया और टीचर बन गया, वो टीचर नहीं है, टीचर का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ पढ़ा देना, रटवा देना बच्चे को, टीचर का मतलब ये होता है कि बच्चे की साइकी को समझना, कि बच्चा कैसा है, हर बच्चा, अब देखो आजकल कोचिंग सेंटर में कोई भी कोचिंग सेंटर ऐसा कोचिंग सेंटर है जो फेलियर को आगे लेकर आए, सेंटर ऐसा कोचिंग सेंटर है जो फेलियर्स को बेसिकली आगे लेकर आए, नहीं, हर इंसान फेलियर्स को छुपाता है, ठीक है, अभी कुछ टाइम पहले मेरे पास एक ऐसे मैट्रिक के अंदर दो स्टूडेंट्स थे जिनकी 9th क्लास में सप्ली आई थी, ठीक है, सप्लीमेंट 9 मैंने उनको नहीं पढ़ाया था, मेरे पास वो लोग कहीं और से आए थे, तो मैंने अपने ऑनलाइन बैचेस के अंदर उनको एनरोल कर दिया, और मैंने उनके अंदर ये सीनियोरिटी दी कि भाई तुम लोगों ने अपनी परसेंटेज को इंप्रूव करना, और ये 2 सब्जेक्ट टोटल उन्होंने 9 सब्जेक्ट्स दिए, 9 सब्जेक्ट देने के बाद उन्होंने जब मैट्रिक का रिजल्ट आया कि उन्होंने अपना जो रिजल्ट था उसको इंप्रूव कर लिया और वो बी ग्रेड पर आ गए 9 पेपर्स देने के बाद, वो फेल नहीं हुए दोबारा, वही चीज मैंने जब लगाई, ठीक है, मैंने अपने प्लेटफॉर्म्स पे लगाया, तो वहां पे मैंने बेसिकली जब वहां पे अपना ये पूरा एक रिपोर्ट लगाई, तो कुछ पेरेंट्स ने मुझे आके कहा कि सर ये तो लोगों के सी ग्रेड्स में आया हुआ है, बी ग्रेड्स आया हुआ है, ये तो सर अच्छा नहीं है, ठीक है, मैंने सिंपल सी बात कहता हूँ, मैं अगर एक स्टूडेंट फेल होने के बाद भी, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी वो फेलियर है, इज बेसिकली इन एफ ग्रेड, ठीक है, और अगर उसकी परसेंटेज बनाओगे तो उसका ई ग्रेड भी नहीं बन पा रहा है, अगर वो वहाँ पर सी ग्रेड तक इम्प्रूव कर लेता है, ठीक है, मैं कहता हूँ कि भाई वहाँ पे उसको अप्रिशिएट करना चाहिए कि वो 7 सब्जेक्ट नहीं दे रहा, वो 9 सब्जेक्ट दे रहा है, इसी में इंटरमीडिएट में भी ऐसा ही है,
ठीक है, कि आप अपने 6 सब्जेक्ट नहीं दे रहे हो, अगर बच्चा 4 में फर्स्ट ईयर के अंदर फेल है तो वो टोटल 10 सब्जेक्ट देगा अपने सेकंड ईयर के टर्म्स में, जो कि काफी मुश्किल होता है कवर करना है स्टूडेंट्स को, क्योंकि 6 सब्जेक्ट एक नया है उससे, और उसी तरीके से उसके 4 सब्जेक्ट जो है फर्स्ट ईयर के, तो टोटल मिलाकर 10 सब्जेक्ट, वहां पे वो अगर सी ग्रेड लेकर आ रहा है अपना टोटल ओवरऑल, तो वो अप्रिशिएट है वो चीज़। अब क्या करते हैं हर इंस्टीट्यूट के अंदर, आप देख लीजिएगा खुद, मैं ये नहीं कह रहा, मैं आपको कैलकुलेटर बात हूँ, हर जगह पे आपको A1 ये दिखेगा, इवन हर कोचिंग सेंटर्स में देख लें, हर कोई पोजीशन होल्डर्स को ऊपर लेकर आ रहा होता है कि पोजीशन होल्डर्स की ये है, पोजीशन होल्डर्स बच्चे जो होते हैं ना वो खुद से भी पढ़ते हैं, हमारे में प्रॉब्लम्स ये हम सेल्फ स्टडीज नहीं करते, हम कोचिंग के बिहाफ पे बैठे हैं, और कोचिंग फिर अपना क्रेडिट ले जाते हैं कि यार भाई हमारे उससे हुआ है, ठीक है, बच्चे की अपनी मेहनत भी है वहाँ पे, तो वहाँ पे उसको अप्रिशिएट करना बनता है। मैं करूंगा हर स्टूडेंट को अप्रिशिएट, इवन मेरे पास स्टूडेंट सी ग्रेड लेकर भी आता है, मैं उसे भी इवन इन द इंटर, मैं आपको बताता हूँ बहुत सारे स्टूडेंट्स 2 पेपर में फेलते हैं मेरे पास, तो 3 से 4 स्टूडेंट्स के सी ग्रेड आए हैं, आई मस्ट अप्रिशिएट दैट गाय, कि एटलीस्ट उसकी आज के टाइम पे वो जो 3 पेपर्स में फेल था वो फेल नहीं हुआ, हाँ वो इंप्रूव करना चाहता है तो वो कर सकता है, पर वो फेल नहीं हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप फेल नहीं हुए, आपने सेकंड ईयर में ही अपना क्लियर कर लिया। 7th पॉइंट इज ऑल अबाउट, आई होप यहाँ तक तुम्हें समझ में आ गया होगा, ठीक है, जुबान का मसला भी होता है, ठीक है, अब वो जुबान का मसला क्या होता है वो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, जुबान का मसला ये होता है, आई होप यू लव दिस कॉन्टेंट, मैं उम्मीद कर रहा हूँ पसंद आ रहा होगा, लाइक तुम लोगों का मैं चेक करूंगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगी है, मैंने पूरा कैलकुलेटर चीज़ों को भाई सब चीज़ को मिलाकर तुम लोगों को आज ये गाइड कर रहा हूँ मैं, इसमें बहुत दिमाग लगा है, टोटल 8 to 9 आवर्स की टोटल मेरी जो है पूरी सोच विचार के बाद जो है पूरा ये मैंने किया है, तो यार लाइक कर देना। देखो यार कुछ स्टूडेंट्स को ना, ठीक है, समझना जो है वो बेसिकली मुश्किल होता है, क्यों, क्योंकि बेसिकली जो जुबान जो है ना तालीम देने के लिए इस्तेमाल होती है जैसे कि इंग्लिश या फिर उर्दू, वो से मतलब अपनी जुबान से वो एक तरीके से मुख्तलिफ होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, एक लड़का था जो मैट्रिक का स्टूडेंट था, मतलब इंग्लिश मीडियम सब्जेक्ट जो है ना उसको समझने में परेशानी होती थी, ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, किसी को भाई इंग्लिश मीडियम सब्जेक्ट अच्छा नहीं लगता, किसी को कोई सब्जेक्ट में इंटरेस्ट होता है तो समझने में भाई परेशानी होती थी, ठीक है, वो क्यों होती थी, क्योंकि उसकी अपनी बैकग्राउंड जो था ना वो उर्दू मीडियम थी, और उसको कॉन्सेप्ट समझने के बावजूद ना इंग्लिश में ना अपने थॉट्स को एक्सप्रेस वो कर नहीं सकती थी, और एग्जाम में क्या होता था वो फेल हो जाते थे, ये बड़ा ये होगा आप लोगों के साथ भी होगा, ऐसे बहुत सारे जो हैं वो इस चीज़ से रिलेट करेंगे, ठीक है, और ये बेसिकली एक लास्ट पॉइंट है कि क्या है, ठीक है, तो लास्ट पॉइंट में मतलब के इम्तिहानी स्ट्रैटेजी की कमी होती है आपके पास, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये स्ट्रैटेजी, ठीक है, अब स्ट्रैटेजी क्या है कि वक्त का आपका जो है गलत इस्तेमाल, कि अक्सर जो स्टूडेंट्स होते हैं इम्तिहान के वक्त का ना सही बेसिकली जो है अपना एक तरीके से तकसीम नहीं करते कि मैंने कब क्या करना है कब क्या नहीं करना, उसकी वजह से उनके जो सवालात होते हैं वो बेसिकली जो है अधूरे रह जाते हैं। अब इसी में ही आप फॉर एग्जाम्पल पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो, अब पेपर अटेम्प्ट करते वक्त आपने क्या किया कि आपने अपने वक्त का सही से चुनाव नहीं किया, जिसके बिहाफ पे आपका पेपर छूट सकता है, यही चीज़ है स्ट्रैटेजी की कमी, और ये चीज़ आपको कोई टीचर नहीं बताएगा, लर्निंग सब कुछ नहीं होता इसी वजह से फेल हो रहे हो, लर्न करने के बाद ये सारी चीज़ें होती हैं जो स्टूडेंट फेल, ये कौन बताएगा, उसके बाद सवाल का गलत समझना, ये बहुत ज़्यादा होता है, जब मैं कॉपीज की चेकिंग में देखता हूँ जब टीचर्स चेक कर रहे होते हैं और मैं जस्ट गो थ्रू करता हूँ, तो मुझे मोस्टली क्वेश्चंस को ऐसे ही देखना पड़ता है, मैं देखता हूँ अरे बच्चा लिख क्या रहा है, मतलब पूछा कुछ और है लिख कुछ और रहा है, तो ऐसा होता है, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि सवाल को उन्होंने समझा गलत होता है, उस टाइम पे आता उनको है वो चीज़, बट इसमें क्या होता है कि एंगजाइटी की वजह से या फिर कोई मतलब टेंशन की वजह से या डर की वजह से कुछ ऐसा हो जाता है जो वो सवाल को गलत समझ लेते हैं, ठीक है, या इंस्ट्रक्शन जो होता है उनको फॉलो नहीं करते, तो जिसके बिहाफ के ऊपर वो मिस्टेक्स कर जाते हैं, और इसकी एक बहुत बेस्ट केस स्टडी जो थी वो मैंने थी कि मेरे पास एक लड़का था, ठीक है, वो बेसिकली इंटर का स्टूडेंट था, अब उसने मैट्रिक उसके अंदर जो है ना केमिस्ट्री के अंदर अपना बेसिकली वक्त का जो है ना सही मतलब कि उसने करके तकसीम नहीं किया, स्ट्रैटेजीज नहीं बिल्डअप की अपनी, क्योंकि केमिस्ट्री का पेपर आपको पता है कि भाई बड़ा होता है सेक्शन ए सेक्शन बी और फिर ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक इंटर के अंदर, तो उसको बेसिकली उसने सही वो नहीं किया, तो क्या हुआ वहाँ पे, तो उसने ना मतलब कि पहले हिस्से में जो है ना ज्यादातर अपना वक्त जो है वो गुजार दिया था, अब एक मतलब कि वो करते करते एक तो भाई स्लो राइटिंग, ये बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम होती है स्लो लिखते हैं, ऊपर से भाई उसने अपना पहले ही हिस्से में जो आपका सेक्शन बी था उसमें इतना टाइम लगा दिया, ठीक है, और फिर मतलब वो पूरा पेपर अपना अटेम्प्ट नहीं कर सका, तो उस बिहाफ पे जो है उसके लो मार्क्स और वो फेल भी वहां पर जो है हो गया, तो ये सारी स्ट्रैटेजीज होती हैं और ये सारा जो आपका इश्यूज होता है ये एग्जाम्स में आपको फेलियर करता है। इसमें एक और पॉइंट भी है स्लो लर्नर, ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो स्लो लर्नर होते हैं या स्लो लिखने वाले होते हैं वो भी फेल होने का सबब बनते हैं, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, ठीक है, आप इनमें से लाजमी होगे, अगर आप कहते हो कि मैं इनमें से नहीं हूं तो मैं मान ही नहीं सकता कि आप इनमें से नहीं हो फिर भी आप फेल हो रहे हो, आप इनमें से कोई ना एक पॉइंट में होंगे जिनको आपने आज की तारीख के अंदर इस चीज को सही करना है अपने आप को, और मेरी दुआ है कि इस वीडियो के बाद नेक्स्ट टाइम जब आप लोग के एग्जामिनेशन हो तो आप लोग नीचे अच्छे अच्छे कमेंट करोगे सर इस वीडियो से हमें अपने आप को बदल दिया है और आप अपने अंदर चेंज ला रहे हैं,
ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत वैल्यूबल होगी क्योंकि ये कोई भी नहीं समझाएगा आपको, ठीक है। तो आई होप यू गॉट ऑल द पॉइंट्स रिलेटेड टू द एग्जाम फेलियर। नेक्स्ट वीडियो के अंदर बेसिकली हम डिस्कस करेंगे कि भाई इन सारी चीज़ों की जो फेलियर्स हैं इनको आउटकम कैसे करना है, इनका सोल्यूशन क्या है, क्योंकि आप तुम लोग मुझसे मांगोगे कि सर इसका सोल्यूशन बताएं, सोल्यूशन फिर मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा। तब तक के लिए जो है तुम लोग मोहब्बत अपनी दिखाओ, ठीक है, कि मुझे ही मोटिवेशन हो कि मैं इतनी मेहनत करी तुम लोग की वीडियो बनाने में। 70 लाइक्स मुझे इस वीडियो में चाहिए, और अपने हर फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर करो। मैं देखूंगा कि कौन कौन शेयर करता है वीडियो, अगर तुम लोगों को पसंद आएगी तुम लोग शेयर करोगे इस वीडियो को, हर फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, सब्सक्राइब कराओ, ठीक है। 26,000 सब्सक्राइबर पे पहुंचने वाला हूँ, पहुंचाओ जल्दी से इंशाल्लाह। जो है जब तक तुम ये टारगेट अचीव करवाओगे इंशाल्लाह, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो तुम लोग आऊंगा कि इसको आउटकम कैसे करना है। जब तुम इन चीज़ों को नहीं समझोगे तुम लोग एग्जामिनेशन के लिए नहीं बैठ सकते, ये चीज़ें समझना जरूरी है, तभी एग्जामिनेशन में बैठोगे। फिर हम बात करेंगे कि सप्लीमेंट्री वप्लीमेंट्री आगे चीज़ों के बारे में, इसलिए मैंने सेकंड वीडियो इस पर बनाई। आई होप यू गॉट ऑल दीज पॉइंट्स, ठीक है, इंशाल्लाह फिर मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ तुम लोगों के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, और मुझे अपनी दुआ में याद रखना।